नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटरटेनमेंट एनपीसी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे विनरार की मदद से किसी भी फाइल को लॉक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे कैसा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, आप इसे दबा दीजिए और इस घंटे को दबा दीजिए, जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वो फाइल चुननी है जिसे आप लॉक करना चाहते हैं। बाद में उसे आपको एक फोल्डर के अंदर डाल देना है, जैसे मैंने डाली है। उसके बाद में आपको इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है और फिर ऐड टू आर्काइव पर क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए, जनरल में सेट पासवर्ड लिखा होगा आपका, यहाँ पर नहीं हुआ तो एडवांस में ज़रूर होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चुन लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार सेट करता हूँ 1234, और फिर आपको यहाँ पर इसे ओके पर क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर ये सेट पासवर्ड हो रहा है और फिर ओके। तो ये देखिए, ये हमारी फाइल है, ये लॉक हो रही है। उसके बाद में देखिए, ये हमारी फाइल है, इसके अंदर वो इसी फोल्डर की सभी फाइलें आ चुकी हैं। तो अब हम चाहें तो इस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने इसे डिलीट कर दिया है। और फिर ये देखिए, अब जैसे कि मैंने इसे एक्सेप्ट हियर पर क्लिक किया तो देखिए पासवर्ड पूछ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई गलत पासवर्ड टाइप कर दिया तो फिर अब ओके। तो ये देखिए, इसने एरर दिखा दिया और फिर इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब हम इसे अब दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे और सही पासवर्ड डालेंगे 1234 और फिर अब ओके, तो ये देखिए, ये वही फोल्डर दोबारा से आ गया है। और फिर देखिए, ये हमारी वही फाइल्स है जो मैंने यहाँ पर इसके अंदर छिपाई थी। तो इसके अंदर आप इस तरह से आप फाइल को छिपा सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान है और मैं विनरार की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सीधे इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और इस घंटे को दबा दो, जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से लाइक करो, उस लाइक के बटन को तोड़ दो दबा दबा कर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।